हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल का या कार का या स्कूटी का डुप्लीकेट की कैसे बना सकते हैं। सपोज आपके पास कोई मोटरसाइकिल है और आपके पास स्पेयर की नहीं है, तो आप स्पेयर की बना सकते हैं खुद से। इसी तरह आप कार का भी, स्कूटी का भी, कुछ का भी बना सकते हैं आप। होता है सपोज आपने सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदा, तो जो ओनर था पहले वाला वो आपको एक ही की दिया, एक और की आपके पास नहीं है, तो कभी इमरजेंसी में सपोज एक की खो गया तो आप दूसरे का यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप स्पेयर की कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले सपोज आप जिस मोटरसाइकिल का या कार का आप बनाना चाहते हैं स्पेयर की, उसका इस तरह का ब्लैंक आता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका की है ओरिजिनल। ओके, इसमें इंग्रेव किया हुआ है और ये आपका ब्लैंक है सेम इसी मॉडल का। ओके, आप अगर इसको कॉन्साइड करके देखेंगे तो सेम यही होता है। ओके, यही होता है इसका, तो इस तरह का ब्लैंक आता है। सपोज आपके पास जो मोटरसाइकिल है उसका आप नाम बोलिएगा तो वो आपको इस तरह का ब्लैंक की दे देगा। जनरली सपोज हीरो, अगर हीरो का है आपके पास, हीरो मोटोकॉर्प, तो उसमें जितने भी गाड़ीज आते हैं उसके सेम इसी तरह का ब्लैंक आएगा। जैसे बजाज का है तो उसका सेम ब्लैंक होता है मोस्ट ऑफ दी। अगर थोड़ा भी चेंजिंग रहता है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या एक कंपनी का है दूसरे में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। लेंथ का डिफरेंस रहता है तो वो हो जाएगा। और सपोज आपके पास ब्लैंक नहीं है, आप ब्लैंक का आपको नहीं मिल पाया, तो उसका भी एक जुगाड़ है। आप इस तरह का कोई भी स्पून ले लीजिए, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ये नहीं कि वीक ले लिए तो मतलब इसको डाले आप गाड़ी के अंदर वो टूट गया, तो वो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये यूज कर रहा हूँ मैं स्पून का, तो इस तरह का आप गियर ब्लैंक, सॉरी की ब्लैंक आप बना सकते हैं। इस तरह का आप इंगेप कर सकते हो ओरिजिनल डाल करके ऐसे मार्कर से आप। ओके, मोटरसाइकिल का हो या कार का हो सेम है, मेथड सेम है। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल का है, ये कार का है, तो प्रोसेस सेम है दोनों का। तो अगर आप एक करते हैं तो दूसरा भी आप कर सकते हैं। ओके, उसी तरह स्कूटी का भी सेम रहता है। ओके, तो मैं बताऊंगा, तो इस सबको हटाते हैं और मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस पे एक लाइटर या मैच बॉक्स कुछ भी लेकर के इस पे आप एक कार्बन ब्लैक का कवर चढ़ाइए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम चढ़ाया था, इसी तरह इसमें भी चढ़ाइए। ओके, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये मेरा कहाँ गया, हाँ ये मेरा ओरिजिनल की है और ये मेरा की ब्लैंक है, तो इस पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक। ओके, तो ये हम इस ब्लैंक पे इस चाबी का हम ये करेंगे। ओके, तो इस पे सबसे पहले हम, सॉरी मैं इस पे चढ़ा रहा था, इस पे आप सबसे पहले एक कार्बन ब्लैक का लेयर चढ़ाइएगा। ओके, इस तरह से। अभी एक ही साइड में चढ़ाया मैंने, देखिए मैंने चढ़ा लिया इस पे, यहाँ तक मत चढ़ेगा नहीं तो ये प्लास्टिक जल जाएगा। ओके, मैंने एक साइड चढ़ा लिया है ये लेयर। ओके, एक साइड मैंने नहीं चढ़ाया है। ओके, इस साइड में मैं अगली बार चढ़ाऊंगा इस पे। अभी पहले एक साइड का कॉपी करते हैं। ओके, तो पहले इसको ठंडा होने के लिए इसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए कुछ देर। ओके, ओके, ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। अब क्या करेंगे, इस तरह का एक सेलो टेप ले लेंगे। ओके, और इस पे हम इसका प्रिंट लेंगे। ओके, आराम से। ओके, हिलना नहीं चाहिए, आराम से इसको। ओके, स्ट्रेट करके हम इसका प्रिंट लेंगे। ओके, देखिए मैंने इसका प्रिंट ले लिया, हिलेगा तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, हिलना नहीं चाहिए। ओके, हमारा प्रिंट आ गया, क्लियर प्रिंट आना चाहिए। ओके, जैसे कि इस कंडीशन में मैंने प्रिंट ले लिया है। ओके, काफ़ी है, इतना थोड़ा सा हिल गया है बट ओके, ये आप प्रिंट देखेंगे। अब ये क्या करेंगे, इस प्रिंट को हम देखिए कैसे उस पर चढ़ाना है। ये देखिए, इसका जो टिप देख रहे हैं, इसका टिप और इसका टिप पे कौन साइड कीजिएगा। ओके, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे आना चाहिए। ओके, इस तरह से आराम से
आराम से इसको डालिए। थोड़ा भी आपका इधर उधर होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो एकदम सही से आना चाहिए। ओके, हल्का सा इधर हो गया। एकदम एग्जैक्टली आ गया है, इधर भी थोड़ा सा हल्का सा इधर। ओके, अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, एंगल ग्राइंडर की मदद से, आप देख रहे हैं ये जो प्रिंट है, एंगल ग्राइंडर की मदद से ये जो जो स्ट्रक्चर है, ये जो लाइंस है, इसको कट करना है। ओके, जो एडिशनल है। ओके, इसको काफ़ी धीरे धीरे कट कीजिए और थोड़ा सा इसमें रहने दीजिएगा, जिसको कि आप फाइल से ये कर सकते हैं, और बीच बीच में आप इसको मैच करते रहिए जो ओरिजिनल वाला से। ओके, मैंने कट किया इसको, आप देख सकते हैं। ओके, बीच बीच में इसको मैच कीजिए ओरिजिनल वाला से, एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आपका जो ब्लैंक है, की ब्लैंक है, आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वेस्ट हो ये, तो केयरफुली आप इसको कट कीजिए। और जो फिनिशिंग वर्क है, थोड़ा सा आप रहने दीजिए, एंगल ग्राइंड एक्चुअली बहुत फास्ट होता है और हेवी होता है, तो आपको इसको कंट्रोल करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो थोड़ा थोड़ा जो फिनिशिंग का काम है वो आप इसे कीजिए, फाइल से काम कीजिए इसे। ओके, तो एक साइड का ऑलमोस्ट हो गया है। अब एक बात आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ओरिजिनल रहता है उसमें दो साइड रहता है, और दो साइड का क्या खास बात रहता है कि दोनों आइडेंटिकल होता है। ओके, इस साइड जैसा पैटर्न है वैसा ही पैटर्न उस साइड भी होता है। वो इसलिए कि सपोज आप कार या बाइक में की अगर इधर इधर से डाल के ओपन करते हैं तब भी ये ओपन होगा, और अगर इस साइड से करते हैं तब भी वो ओपन होगा। तो ओके, ये बात फायदा होता है, इसलिए दोनों साइड आइडेंटिकल होता है। तो हमने एक साइड का कट कर लिया है ऑलमोस्ट। ओके, और अब हम दूसरे साइड का कट करेंगे सेम यही स्टाइल में। ओके, ओके, तो इसका जो ये है, मेरा काम हो गया इसका, इसको हम हटा लेंगे। ओके, ये जो है हटा लिए। अब आप इसको चाहिए तो सेम इसी को आप यूज कर सकते हैं उस साइड डाल करके इस तरह से। ओके, या फिर आप दूसरा भी बना सकते हैं सेम उस साइड में, दोनों आइडेंटिकल होता है, तो मैं यही यूज करने का कोशिश करूंगा। ओके, अगर ये आपका डैमेज हो गया हो, कलर फेड कर रहा हो, तो आप एक नया भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ठीक ठाक है, काम चल जाएगा इससे।
तो मैंने इधर इसको चिपका दिया। ओके, और दोनों को आप मैच कर लिए। देखिए ये आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सिमेट्रिकल पैटर्न होना चाहिए। जिधर ये मैच करा है दोनों एक लाइन में होना चाहिए, दोनों साइड एक ही तरह का पैटर्न होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा फिनिशिंग कर लीजिए इसको। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब जो बाकी जो फिनिशिंग का काम है इसको हटा दीजिए, इसको इसका जो है इसको हटा लीजिए। ओके, बहुत काम किया ये सेलो टेप। अब इसका बाकी का जो फिनिशिंग का काम है ये हम वहाँ पे मोटरसाइकिल पे जाके इसको चेक करेंगे, और थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग है वो हम उसको देंगे फाइनल टच। ओके, अब हम ये जो ब्लैंक की है इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि कितना सही हुआ। एक साइड का सही है। ओके, थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा बहुत अगर जाम रहे आपका, जैसे कि ये थोड़ा बहुत जाम हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा इसको फिनिशिंग कर सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो कटिंग रह जाता है वो सब आप क्लीन कर लेंगे इसको। अगर यहाँ पे देखेंगे आप हल्का हल्का आप इसको क्लीन कर लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हेड थोड़ा सा बड़ा निकल जाता है, तो इसको आप क्लीन कर लीजिए हल्का सा। सॉरी, इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए। ओके ओके, एक साइड से खुल रहा है, और दोनों से आप एक बात याद रखिएगा कि जो अगर जैसे ये के साइड से खुल रहा है तो एक साइड आपका मीन्स सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये की काम करेगा ही, उस साइड से भी आपको ये इस साइड से भी आपको खोल के देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो इस साइड है ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसका मीन्स कि के साइड है सही है, बी साइड आपका थोड़ा खराब है। ओके, तो इससे क्या होता है कि मीन्स कि जो के साइड का जो है, ये जो ये साइड का जो आपने बनाया है, ये साइड का ये सही है, और ये थोड़ा सा आपका थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को देख करके आमने सामने एकदम सिमेट्रिकल इसको बनाइए, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कीजिए। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं हल्का हल्का इसमें चेंजिंग है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। ओके, हल्का हल्का इसमें फिनिशिंग आप दीजिए। अभी जैसे के साइड ठीक था। ओके ओके, ये काम कर रहा है, और ये बी मैंने एडजस्ट किया है। ओके, बी भी काम कर रहा था। ओके, बोथ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ठीक हो गया ये। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, ये साइड में थोड़ा क्लीन कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा आपका अगर फंसता है कहीं पे है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज़ करते करते आपका की सही हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ओके, तो देखा आपने कि कैसे की बनाते हैं हम। अब ये एक्चुअली अब ब्लैंक नहीं रहा। ओके, ये अब हमारा ओरिजिनल की जैसा हो गया, यूज कर सकते हैं। ओके, और ये ब्लैंक नहीं रहा, अब इसको आप ब्लैंक हटा सकते हैं इस मार्क को। ओके, अब आपका ये ओरिजिनल की जैसा हो गया। ओके, और मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, और उधर मेरा जो बिल्लू है वो देखिए गुस्सा है, उसे खाना नहीं मिला है। तो ओके, तो यही था कैसे हम डुप्लीकेट की बनाते हैं बाइक का। और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगे कि ऐसा मैं वीडियो और बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।